हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र की कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स के बारे में जो आपको है जो कि आज तक नहीं पता होगी। और इस सेटिंग्स को हम करने के बाद में है जो कि आप आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छे कर सकते हो, और आपके फ़ोन की जो हैंगिंग वाली प्रॉब्लम है वो भी है जो कि यहाँ से ख़त्म होने वाली है। तो फ्रेंड, मैं कुछ क्रोम ब्राउज़र की कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स के बारे में आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरुआत करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर है, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड, आपको साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको है जो कि सबसे पहले आपको करना, तो सबसे पहले फ्रेंड हमने है जो कि हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन किया। और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में हम क्या है कि हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम सबसे पहले है जो कि वहाँ से हिस्ट्री को है जो कि डिलीट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जैसे कि हिस्ट्री में है देखिए क्रोम फ्लैग वगैरह, तो ये सारी हिस्ट्री है, तो हम इसको यहाँ से क्लियर ब्राउज डाटा कर देते हैं। लेकिन रियल में फ्रेंड यहाँ से है जो कि आपकी हिस्ट्री है जो कि परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो फिर भी आपके फ़ोन में है जो कि रहती है। तो हम परमानेंटली है जो कि इस हिस्ट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं आपको मैं बता देता हूँ कि क्रोम ब्राउजर में डिलीट करने के बाद आप सोचते हो कि हमारी हिस्ट्री है जो कि डिलीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर है जो कि हिस्ट्री है पूरी है जो कि डिलीट हो चुकी है, लेकिन आपको है जो कि आपके फ़ोन का है जो कि गूगल वाला ब्राउजर है जो कि ओपन करना है। जैसे फ्रेंड्स आप गूगल वाले ब्राउजर को ओपन करते हो तो आपको है कि राइट साइड में एक प्रोफाइल पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करने के बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे दिख रहा है सर्च हिस्ट्री, तो आपको हिस्ट्री पे जैसे आप टैप करोगे तो आपको है जो कि वो सारी हिस्ट्री दिख जाएगी, जैसे जो आपके है जो कि क्रोम ब्राउजर में आपने अभी जो डिलीट की थी वो सारी हिस्ट्री है जो कि यहाँ पे वो है जो कि सेव रहती है। यहाँ से अगर डिलीट होती है तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। जैसे कि फ्रेंड अभी देखो हमने वहाँ पे देखा था क्रोम फ्लैग गूगल क्रोम कम्युनिटी वगैरह, तो ये सारी हिस्ट्री है जो कि यहाँ पे रहती है, तो ये हिस्ट्री है जो कि क्रोम ब्राउजर से तो डिलीट हो जाती है लेकिन हमारे फ़ोन में परमानेंटली डिलीट नहीं होती। हमारी एक्टिविटीज़ है जो कि कोई भी देख सकता है, तो हमारी एक्टिविटीज़ यहाँ से पता लग सकता है, यहाँ से जो है हमको पता लग सकता है। तो यहाँ से भी हमको है जो कि हिस्ट्री डिलीट करनी होती है तो हम किस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा है डिलीट वाला ऑप्शन, इस डिलीट वाले ऑप्शन पे आप है जो कि हमेशा डिलीट ऑल टाइम सेट कर दोगे। जैसे फ्रेंड डिलीट ऑल टाइम करोगे तो यहाँ से आपको नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे है जो कि नेक्स्ट पे टैप कर देना है। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद में फ्रेंड आप देख सकते हो कि यहाँ से है जो कि पूरी हिस्ट्री है जो कि आपकी डिलीट हो जाएगी, यानी कि ऑल टाइम की हिस्ट्री है जो कि यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आपको ओके सेट कर देना है। फिर भी फ्रेंड्स आपको मैं है जो कि क्रोम ब्राउजर की वो सेटिंग बताने वाला हूँ कि आपको है जो कि यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा, उसके लिए है आपको आपका है जो कि क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। जैसे फ्रेंड्स आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है तो आपको है जो कि ऊपर की साइड में आपकी प्रोफाइल की साइड में आपको यहाँ पे है जो कि टैप करना है, थ्री डॉटेड लाइन पे है जो कि टैप करना है। थ्री डॉटेड लाइन पे टैप करने के बाद में आपको है जो कि क्रोम ब्राउजर की सेटिंग पे जाके टैप करना है। सेटिंग पे टैप करने के बाद में फ्रेंड आप साइड में देख सकते हो कि आपको है जो कि, तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि साइड में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे है जो कि सर्च इंजन, यानी कि आपको यहाँ पे सर्च इंजन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। आपको गूगल की जगह आपको डग डग गो कर देना है। तो फ्रेंड इस डग डग गो करने का फ़ायदा ये है कि आप है आपकी जो हिस्ट्री है, आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, आप जो भी है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह की कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हो वो है जो कि कोई नहीं देख सकता, वो हिस्ट्री है जो कि ऑटोमेटिकली है जो कि डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको है जो कि डग डग गो वाली सेटिंग कर देनी है। उसके बाद में फ्रेंड आपको एक सेटिंग और बताता हूँ मैं, आपको वही क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको वही क्रोम ब्राउजर की है जो कि सेटिंग पर जाना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप सेटिंग पे जाते हो तो सेटिंग पे जाने के बाद में आपको है जो कि एक, तो फ्रेंड थोड़ा सा आपको है जो कि स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। तो जैसे कि फ्रेंड आप प्राइवेसी सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे टैप करते हो तो आपको है जो कि ऊपर से सेकेंड वाला ऑप्शन यानी कि सेफ ब्राउजिंग, तो फ्रेंड यहाँ पे है जो कि सेफ ब्राउजिंग पे आपका अगर स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन है, यानी कि फ्रेंड आपका अगर स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन है तो आप इसको यहाँ से रिमूव करके आप एनहांस प्रोटेक्शन पे यानी कि शुरू वाले पे आपको टैप करना है। इसको एनहांस प्रोटेक्शन की जो सेटिंग्स है इसको आपको इनेबल कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, यानी कि किसी भी लिंक वगैरह की वेबसाइट पे आपके पास में आता है तो आप उस वेबसाइट पर अगर विजिट करते हो तो वहाँ से है जो कि आपके फ़ोन में वो वेबसाइट नहीं खुलेगी, यानी कि आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट हो या किसी भी तरीके की कोई भी अनयूजल जो वेबसाइट आती है जिससे आपका डाटा है जो कि क्रैश हो सकता है, आपका डाटा लीक हो सकता है, तो वो सारी वेबसाइट से है जो कि ये सेटिंग्स है जो कि आपकी प्रोटेक्ट करेगी। तो इस वाली सेटिंग्स को आप जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो मैंने आपको बताई है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।